गुड मॉर्निंग गाइस। तो गाइस अभी का सीन ये है कि अभी का टाइम हो रहा है गाइस सुबह के 8 बज रहे हैं और आज का डे है गाइस ट्यूसडे डे है, आज का मंगलवार है गाइस आज का। तो आप सबका गुड मॉर्निंग गाइस। हम तो नहा धो के एकदम तैयार हो चुके हैं, आप देख सकते हैं इस प्रकार। ठीक है गाइस, तो काफ़ी अच्छा माहौल है, ठंडक सी भी छाई हुई है ऊपर की ओर। ठीक है गाइस, गाइस बने रहिए इस ब्लॉग के अंदर। ब्लॉग गुड आफ्टरनून। तो गाइस देख सकते हैं इस प्रकार हमने ये पूरा नींबू पानी बना है, बहुत ही मज़ेदार बना है गाइस। इसको अब टेस्ट करने की बारी है, तो मिलते ऊपर गाइस। गुड आफ्टरनून। तो गाइस सभी का सीन ही अभी का टाइम हुआ गाइस 4:15 और ठीक है गाइस। तो गाइस हमने वो नींबू पानी आपने बनाया, आपने देखा मैं लेके आ गया उसको ऊपर, अब टेस्ट करेंगे कि और कैसा बना है गाइस। तो लाते हैं उसको, इसी बैठ चुका हूँ। आप देख सकते हो इस ग्लास के अंदर नींबू पानी है, बहुत ही मज़ेदार बना होगा गाइस। अंदर मैंने क्या क्या इसमें ऐड किया है मैं आपको पीने के बाद बताता हूँ। ठीक है, तो अब इसको टेस्ट करते हैं। मुझे बहुत अच्छी आशा है कि मैंने अच्छा ही बनाया होगा क्योंकि मैं गाइस इसका मास्टर हूँ। ठीक है, ओपी बोलते गाइस मेरे जैसे तो कोई नहीं बना सकता पूरे दुनिया में। तो ठीक है गाइस, मैंने पूरा ग्लास खाली कर दिया है, मैंने इसमें क्या क्या बनाया, क्या क्या ऐड किया है उसकी सबकी लिस्ट मैं आपको दे रहा हूँ। आपको घर पे ज़रूर ट्राई करना चाहिए क्योंकि ऐसे मेरी रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, ट्राई कीजिए मज़ा आएगा ज़रूर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या लेना होगा, एक तपेली लेनी, तपेली मतलब बर्तन। ठीक है, जिसमें आपको बनाना है, उसमें पानी ऐड करना है, फिर शुगर ऐड करना है। ठीक है, शुगर ऐड करने के बाद अंदर लेमन नींबू, ठीक है, नींबू का निचोड़ देने के, 3-4 नींबू निचोड़ देने के पूरे का पूरे, भले खट्टा होता है निचोड़ देने के। ठीक है, खट्टा पूरा अच्छा चाहिए। फिर जो जल जीरा आता है वो ठोक देने के, 3-4 ठोक ही देने के अंदर आँख बंद करके। फिर नमक थोड़ा डाल लेने का स्वादानुसार, ठीक है, आपकी इच्छा हो तो डाल लेने के। इस प्रकार ये बन के तैयार हो जाएगा हमारा नींबू पानी, बहुत ही मस्त गाइस। और गाइस आज मुझको ये लग भी गई, आपको दिख रही है क्या, या वो चीरा पड़ा होगा, थोड़ी सी लगी है, क्या करें गाइस। थोड़ा सा क्या हुआ कि बाहर चले गए थे तो उसके कारण मतभेद हो गया, मतभेद मतलब कि युद्ध हो गया, युद्ध कोई नहीं, लड़के आ गए, अपन जीत गए गाइस, कोई नहीं छोड़ो। तो गाइस अभी का सीन, अभी का टाइम हो गया 4:15 हो गए, तो आज जल्दी आ चुके थे घर। और गाइस आज का डे ही है, मंगलवार है गाइस आज को। ठीक है, तो गाइस वीडियो में बने रहिए। चैश सबने वो पी लिया है, काफ़ी मज़ेदार बनाना था हमारा जो शरबत था, काफ़ी मज़ेदार बना था। और गाइस बारिश आ रही है, जा रही है, अपना प्रकोप दिखा रही है, ठंडा मौसम हो चुका है, कोई बात नहीं, अच्छा है। आपके यहाँ बारिश हो रही है कि नहीं हो रही मुझे कमेंट बताइए। हमारे यहाँ तो बहुत ही मज़ेदार से छीटियाँ आते हैं चले जाते हैं, मस्त बारिश हो रही है गाइस, काफ़ी अच्छा माहौल है, ठंडा माहौल है। और कैसे मच्छर ज़्यादा होते तो आपके वहाँ क्या करते, सरकार का कुछ होता है? हमारे यहाँ तो बस सिस्टम में मच्छर ज़्यादा हो जाते, मतलब समझ रहे हो, मैं एक बात कर रहा हूँ पर्टिकुलर डिस्टेंस से। ठीक है, अगर आप रह रहे हैं एक इलाके में, ठीक है, आपका एरिया का नाम, आपका मतलब आपका जो इलाका है उसका नाम ए, ठीक है, वहाँ बहुत सारे मच्छर हो गए, तो आपकी सरकार है बी, आपकी सरकार बी एक मच्छर से दूर करने के लिए क्या करेगी आपको पता है? हमारे यहाँ क्या होता है कि जो बी है अपनी सरकार, वो ए को मच्छर से दूर करने के लिए एक आता है मशीन आता है, अंदर से वो वायु निकलता है, सफ़ेद कलर का धुआं निकलता है केमिकल वाला, जिससे मच्छर मर जाते हैं, पूरे सब जगह छोड़ देते हैं, उसमें आपको कुछ नहीं दिखेगा नहीं आर पार, एकदम जैसे लगता है कि वो फिल्मों में होता है ना कि एकदम आगे बादल छा चुके हैं और पीछे कुछ दिख नहीं रहा हो, ऐसे प्रकार का सीन होता है, तो काफ़ी मज़ेदार सीन होता है। तो इस प्रकार के मच्छर को दूर करने के लिए हमारी सरकार बहुत अच्छे कदम उठा रही है बरसात के मौसम में खास करके। ठीक है, तो आपके लिए क्योंकि बरसात में ज़्यादा वो होते क्या कहते हैं बीमारियाँ होती है, जैसे कि डेंगू है, मलेरिया है, एक्सेट्रा बीमारियाँ होती है, तो उसके कारण सरकार बहुत अच्छे हमारे डिसीजन लेती है, तो हमारे लिए अच्छे हैं। ठीक है गाइस, तो गाइस वीडियो बनने रहिए, बनता है तो बनाएंगे।
ठीक है। गुड गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग जो कहना आप सब सकते हो गाइस। तो गाइस मैं आ गया हूँ ब्रिज के ऊपर। ये वही वाला ब्रिज है जहाँ से हमने हेयर कट करवाने जाए गए थे। तो गाइस अभी का सीन ही अभी का टाइम हो रहा है गाइस 8:30। और गाइस मैं जा रहा हूँ अपने घर की ओर। और गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे WDG 4G का लोकोमोटिव जा रहा है अपने स्थान से। ये पूरी अच्छी डीजल लोको है गाइस। ये इसका हॉर्न बहुत खतरनाक है। मैं पूरा ध्रुज गया, मतलब समझ रहे हो, पूरा मैं गूंज गया। बहुत खतरनाक इसका साउंड है। तो गाइस गाइस पहली बार मैं इतनी बार निकला हूँ इतनी लेट को। ठीक है गाइस, यहाँ पर देख सकते हो सिग्नल सब रेड है। मैंने आपको मॉर्निंग में दिखाया था वो पार्ट, देख लो आप पता चल जाएगा कितना बढ़िया सीन है यहाँ पे। यहाँ पे लोग को जा रहे हैं। ठीक है गाइस, घर पहुँचने वाले हैं गाइस। इस वीडियो में इतना ही, अगले मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।